वीक के अंदर, मतलब आप, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है सिर्फ आपको, कुछ बोलना नहीं है। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसके अंदर इस मेथड के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एक बार मेथड को प्रॉपरली समझ लो आप कैसे करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्मेट में आता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा चैप्टर का मेन जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ग्रुप बनाने पड़ेंगे। कैसे ग्रुप बनाने हैं, आपको यहाँ पे दो बार इज इक्वल टू की साइन लगा देनी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स, यहाँ पे लिख दिया वाई और यहाँ पे लिख दिया वन, ठीक है? अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है बी वन बी टू, बी वन के बाद क्या आता है सी वन सी टू, फिर यहाँ पे आप लिखोगे, आपने लास्ट में क्या लिखा सी वन लिखा, तो यहाँ पे लिखोगे सी वन सी टू, और सी के बाद में क्या आता है ए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास तीन ही अल्फ़ाबेट है, ए है बी है और सी है, तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी और सी के बाद ए। आप देख सकते हो यहाँ पे बी आया सी आया वापस सी आया और सी के बाद अब क्या आएगा ए आएगा, मतलब ए वन ए टू। हमने यहाँ पे ए वन को लास्ट में लिखा था, तो हम वापस यहाँ पे क्या करेंगे ए वन को रिपीट करेंगे, ए वन ए टू और ए के बाद क्या आता है ए के बाद बी, तो बी वन बी टू, ठीक है? ओके, आप देखो हम क्या करेंगे, ये ग्रुपिंग करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर, और सेकंड स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे इन दोनों का माइनस। सेम वे दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप के अंदर, दोनों का मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप के अंदर, जो आएगा उनका माइनस, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप के अंदर, फिर इसका मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप के अंदर, जो आएगा उसका माइनस, ठीक है? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से करना है। मेथड बहुत इजी है। एलिमिनेशन मेथड करने के बाद हम इस मेथड को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, इतना मेथड इजी है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल फाइव, और यहाँ ले रहा हूँ मैं थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर। पहले हम क्वेश्चन को फॉर्मेट में लेके आएंगे जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में किया था, टू एक्स प्लस थ्री वाई, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, और थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी यहाँ पे हमारा ए वन क्या बनेगा, टू ए टू थ्री बी वन थ्री बी टू इज इक्वल टू टू, सी वन इज इक्वल टू माइनस फाइव और
सी टू इज इक्वल टू माइनस फोर, ये बात हमारे क्लियर हो गई। अब हम ग्रुपिंग करेंगे, y और 1 का ग्रुपिंग। x में मैंने क्या लिखना था, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, b1 से लिखते हैं, b1 b2 सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b1 b2, फिर c1 c2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम c1 c2, c के बाद a आता है a1 a2, वापस a1 a2, और a के बाद b आता है b1 b2। अब वैल्यू रख लेते हैं, हम वैल्यू रख लेते हैं, ओके x के पास क्या था, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे फटाफट, x डिवाइडेड बाय b1 की वैल्यू 3 टू माइनस फाइव माइनस फोर वाई में था माइनस फोर, ए वन की वैल्यू टू थ्री वन बाय, ए वन की वैल्यू थी आपके पास टू थ्री और b1 की वैल्यू थी 3 और 2। मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट मल्टीप्लाई करने का तरीका था आपका, ये फर्स्ट स्टेप था, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे। तो x बाय ये कितना हो गया 3 फोर ज़ा 12, बट माइनस में, और सेकंड स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कराओगे 5 टू ज़ा 10, वो भी किस में, माइनस में, और जो भी आंसर आएगा इन दोनों का माइनस, जो भी आंसर आएगा उसका इन दोनों का माइनस। सेम वे यहाँ पे पहले इनका मल्टीप्लाई कराएंगे हम, फाइव थ्री ज़ा 15 माइनस 15, फोर टू ज़ा एट माइनस एट, जो आंसर आया उनका माइनस। वापस वन के लिए हम सॉल्व करेंगे, टू टू ज़ा फोर और थ्री थ्री ज़ा नाइन, जो आंसर आया उसको माइनस करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x के लिए क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सेम वे y इज इक्वल टू देखेंगे तो माइनस फिफ्टीन, माइनस माइनस प्लस हो गया, और वन के लिए देखेंगे तो फोर में से नाइन जाएगा तो फाइव, और नाइन बड़ा है तो माइनस की साइन। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, बारह में से दस गया तो दो, दो के बारह के आगे माइनस की साइन है, पंद्रह में से आठ गया तो सात और माइनस की साइन, और वन बाय माइनस फाइव। अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप में ये स्टेप आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, x को इससे इक्वल दिखाओ और इसको इससे इक्वल दिखा दो। कैसे, यहाँ पे x बाय माइनस टू था, मैंने इसको इक्वल दिखा दिया किससे, वन बाय माइनस फाइव से, और क्या किया मैंने, y बाय
माइनस सेवन था, उसको भी इक्वल दिखा दिया मैंने किससे, वन बाय माइनस फाइव से। अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो आपस में, तो माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस माइनस की साइन कट हो गई, एक्स आ गया आपका टू बाई फाइव। और यहाँ पे हम वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, माइनस माइनस कट हो गया, वाई इज इक्वल टू सेवन बाय फाइव। तो इस तरीके से आपका एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई। ये मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद, ये मेथड में आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप मतलब एलिमिनेशन मेथड करने के बाद सेकंड मेथड को आप इसको प्रेफरेंस दोगे। बट पता नहीं इसको सिलेबस में से क्यों निकाल दिया गया, वरना ये मेथड काफ़ी अच्छी है। इसमें स्टेप जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने स्टेप्स आप कम कर सकते हो और आपको तुरंत आंसर मिल सकता है। एक सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं इसी के अंदर, 3m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 2 और 2m प्लस 3n इज इक्वल टू माइनस 4। चलो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले हम इसको अरेंज करेंगे 3m माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3m प्लस 3n माइनस था तो प्लस हो गया इधर आके इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम a1 a2 निकाल लेते हैं, b1 b2 c1 c2। a1 आ जाएगा हमारा 3, A2 आ जाएगा 3, B1 माइनस 2। आपको ये साइन भी साथ, सर साइन भी साथ में लिखा ऊपर है वाला प्लेन कैसे किया? किसमें, हाँ ये दो वाले में। आपको इसको इधर लेके आना पड़ेगा, माइनस टू है ना, हाँ इसको इधर लेके आना पड़ेगा, इसको भी इधर लेके आना पड़ेगा, तो माइनस है इसलिए इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, ग्रुपिंग कर लेते हैं, A1 A2 B1 B2 इज इक्वल टू, जहां से खत्म किया था आपने खत्म B पे किया था तो B से स्टार्ट करोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। शुरुआत आपको कहाँ से करनी थी, B से करनी थी, B1 B2 C1 C2, फिर वापस C1 C2 A1 A2 और फिर A1 A2 और B1 B2। आपको याद रखना है जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो वहीं पे आप ख़त्म कर रहे हो। देखो शुरुआत में भी आपने B1 B2 लिया था और आपने ख़त्म भी B1 B2 से ही किया, तो आप ये मतलब छोटी छोटी बातें याद रख सकते हो। अभी हम वैल्यू प्लेस करेंगे, B1 B2 में वैल्यू क्या थी, माइनस टू और 3 और यहाँ पे 2 और 4। वाई में आपका आ जाएगा 2 4 और A1 A2 में आ जाएगा 3 3। वन में A1 A2 3 3 था और B1 B2 में था -2 3। सर उसमें 2 है, आपने 3 किया है। कहाँ पे, उधर ऊपर जाओ, और थोड़ा और ऊपर,
ये सेकेंड वाला 2m + 3n इज इक्वल टू -4 में 3m + 3n + 4 बराबर। कहाँ पे कौन से स्टेप के अंदर? मैं यहाँ पे लिख रहा ये हूँ स्टेप, सेकेंड वाला इक्वल ये स्टेप वन, ये स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप वन 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 स्टेप फोर वन में क्या सेकेंड वाला इक्वेशन। ये 2m + 3n इज इक्वल टू -4 है ना, तो उसमें आपने 3n 3m अच्छा, प्लस अच्छा, 3n प्लस ओके, 4 ओके 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओके अब फाइन। हाँ ओके ठीक है चलो। ठीक है अभी इसको हम पहले ही आपका ये मल्टीप्लाई चलेगा, यहाँ पे गलती मत करना आप, पहले आप ये मल्टीप्लाई कराओगे और फिर सेकंड में आप ये मल्टीप्लाई कराओगे, हर एक में यही रूल चलेगा। तब x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -8 और यहाँ पे 3 2 6, जो आंसर आया दोनों का बाहर से माइनस। थ्री टू जा 6 और 4 3 12, जो आया आंसर उसमें माइनस 1/3 3 9 और 3 2 -6, जो कुछ भी आंसर आया उसको बाहर से माइनस। अभी x इज इक्वल टू, हाँ पहले यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 3 2 6 नहीं 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 पहले, पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर, जैसे लिखा ना आपने x b1 b2 लिखा आपने और c1 c2 लिखा, तो पहले आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और फिर बचा आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है सर, इसमें ये माइनस वन है ना, वन वन बाय थ्री माइनस टू, तो हाँ इसमें हाँ 3 2 6 होगा ना पहले? नहीं नहीं देखो यहाँ पे थ्री थ्री जा 9 हो गया, नहीं आया समझ में? आया ओके। अब -8 और -6 है तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो -14 इज इक्वल टू वाई बाय -6 इज इक्वल टू 1/9 + 6 इज इक्वल टू हो गया 15। अब मैंने क्या बताया था कि आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, हम इसको 1 से इक्वल दिखा देंगे और y को भी क्या कर देंगे 1 से इक्वल दिखा देंगे। ओके फाइन, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स बाय -14 को इक्वल दिखा दिया मैंने 1/15 से, और वाई बाय -6 को इक्वल दिखा दिया हमने 1/15 से। अब ये चला गया इसके पास और ये भी चला गया इसके पास, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14/15 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6/15। तो आपने इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है अभी क्वेश्चन लेंगे और उसको और भी एकदम बहुत स्लोली तरीके से हम डिस्कस करें ताकि एकदम पक्का समझ में आ जाए। मैं बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, एक्स प्लस वाई एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 2x - 3y इज इक्वल टू 4, 2x - 3y
इज इक्वल टू फोर। पहले हम फॉर्मेट में लेके आएंगे एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसे भी फॉर्मेट में लेके आएंगे टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम ए वन ए टू सब डिसाइड कर लेंगे। युक्ति बताओ ए वन ए टू सब कैसे कैसे मिलेगा? युक्ति x a1 कितना होगा? x a1 के x के आगे कुछ भी नहीं, आपको नंबर से देखने हैं। अभी देखो x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या लेना है आपको? 1, ठीक है, ये हो गया 1, और यहाँ पे 2। आगे बताओ -1, -1, -3, -3 या -3, -3, -5, -4, -4। ओके फाइन, चलो अभी राधिका, राधिका क्या लिखा? 1 by b1 x by b1 c1 c2 बाद में y C1, C2, A1, A2। A1, A2। B1, B2। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, मतलब सही जा रहे हैं। ओके, वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो ये अभी अदनान बताएगा। अदनान ध्वनि? यस सर। वैल्यू रखाओ जल्दी से। x अपॉन 1 -5 कैसे? C1 में। हाँ अच्छा, ओके, ऐसे बता रहे हो। और नीचे -3 और -4। ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई में बताओ। वाई अपॉन -5 और 1 और नीचे -4 और 2। -5 और 1 और नीचे -4 और 2। ओके, और 1 में 1 अपॉन 1 और 1 और 2 और -3। 2 and -3। ओके चलो, दिख विजय। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरुआत आपको इस तरीके से करनी है। पहले -4 -4 -15। देखो 3 5 15 और माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ
और मैंने क्या बोला था, जो आंसर आएगा उनको हम क्या करेंगे बाहर से माइनस माइनस करेंगे। चलो वाई के लिए बताओ। फाइव टू माइनस टेन, माइनस टेन और माइनस फोर बार माइनस माइनस फोर और बाहर से हम माइनस माइनस करेंगे। वन बाय माइनस थ्री, माइनस थ्री और टू, और टू जो आएगा आंसर उसको बाहर से माइनस। ठीक है फिर चलो आगे का स्टेप कौन बताएगा, दिग्विजय की बात कौन है? जेनी? यस सर। हाँ माइनस फोर माइनस फिफ्टीन माइनस इलेवन, इलेवन नहीं 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 माइनस माइनस नाइनटीन, माइनस नाइनटीन। ओके वाई इज इक्वल टू देखो माइनस टेन माइनस भी है माइनस भी है माइनस, हाँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। अच्छा आप बता सकते हो कितना आएगा? माइनस सिक्स, माइनस सिक्स। ओके और यहाँ पे माइनस वन, माइनस फाइव, माइनस फाइव। ओके ठीक है खुशी। यस सर। आगे का स्टेप अभी x को 1 से इक्वल करेंगे और y को भी 1 से इक्वल करेंगे। ओके और y को भी 1 से इक्वल करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। x इज इक्वल टू माइनस नाइनटीन बाय माइनस फाइव और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय माइनस फाइव। दोनों में माइनस की साइन आ रही है तो कट हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका नाइनटीन बाय फाइव। पर आपने तो पहले अलग किया था। हाँ वैसे चलो चलो कोई बात नहीं, वैसे कर लो सेम ही आंसर आएगा। पहले आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे x बाय माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू वन बाय माइनस फाइव। तो ये इसके पास गया तो क्या बचा माइनस फाइव एक्स और ये इसके पास गया तो माइनस नाइनटीन। वापस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस नाइनटीन सेम, देखो सेम ही आंसर आ रहा है। और वाई इज इक्वल टू प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी स्टेप्स बन जाएंगे, आप मतलब जजमेंट ले पाओगे कि हाँ अगर दोनों से कोई करोगे तो आंसर आ। प्रियांश समझ में आया? ओके तो इस तरीके से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जनरली सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमिनेशन फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर सब्स्टिट्यूशन और फाइनली रिडक्शन का प्रेफरेंस होता है। अगर आप इससे नहीं कर पा रहे हो तो इससे करो, इससे नहीं कर पा रहे हो तो इससे करो और तीनों से नहीं हो पा रहा है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है कौन सा ग्राफिकल, उसमें तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। और ये मेथड कब लगानी है आपको, जब आपको एक्स कब दिखे नीचे वाई कब दिखे नीचे, इसके लिए खास मेथड बनाया गया। तो हमने एलिमिनेशन देख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी देख लिया, सब्स्टिट्यूशन हम देख पहले रिडक्शन देख लिया हमने, ग्राफिकल देख लिया बट हमने क्वेश्चन बाकी ठीक है ग्राफ्स बनाना बाकी अभी। तो अभी 5 मिनट के बाद एक और क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, उसके अंदर
हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के हम तीन चार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। और कल जो मॉर्निंग में होगा उसमें हम ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, दो ग्राफ बनाएंगे हम और वेरीफाई करेंगे कि हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट नहीं।